बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, हर साल की तरह इस साल भी आप सब आलमी यौम कुद्स के मौके पर अपनी आवाज़ एहतजाज बुलंद करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आलमी यौम कुद्स एक ऐसा मौका है कि जिस मौके पर हम मज़लूम फिलिस्तीनी आवाम के साथ यकजहती और अख़ुवत और हमराही का ऐलान करते हैं, और इसी ऐलान के साथ साथ ऐवान ज़ुल्म व ज़ोर में जो लर्जा तारी होता है उसकी धमक हम साल भर सुनते हैं। इसराइल एक ऐसी नाजायज़ और गासिब हुकूमत है जिसकी दास्तान बहुत तवील नहीं है, मगर इस तरीन वक्त और अरसे में उसने जुल्म और सितम की जो खो चुका तहरीरें लिखी है उसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। हर रोज सरजमीन फिलिस्तीन पर मजलूम फिलिस्तीनियों का कत्लेआम सारी दुनिया देख रही है। ताज्जुब इसी बात पर है, अफसोस इसी बात पर है, एहतजाज इसी बात पर है कि इंसानी हुकूक के ठेकेदार इदारे खामोश बैठे हैं और हर रोज सरजमीन फिलिस्तीन पर फिलिस्तीनी आवाम का कत्लो खून जारी है। ये कैसा अलमिया है कि गस्प शुदा जमीनों के ऊपर बजाय ये कि दुनिया की सुपर ताकत इसराइल की मजम्मत करें, गस्प की हुई जमीनों पर अपने सिफारत खाने खोल कर और इस जुल्म को हिमायत देते हैं और इस जालिम हुकूमत के हाथों को जुल्म करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। हम आए हैं यहाँ ताकि उस तमाम निजाम जुल्म की मजम्मत कर सके जो दुनिया को आजिज किए हुए है, जिसकी वजह से इंसानियत लहू लुहान है, जिसकी वजह से बशरियत तड़प रही है। दुनिया अमन अमान का गहवारा बनना चाहती है और उसके लिए यकीनी तौर पर हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अमन अमान की सरजमीन है, जो अहिंसा की सरजमीन है, यहाँ से आवाज उठना बहुत ही जरूरी है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ पर अपने मुल्क के आवाम की तरफ से आवाज उठाने के लिए कसीर तादाद में जमा होते हैं और आप हजरात की ये तशरीफावरी रोजे की हालत में, इबादत की हालत में इस तरह की एहतजाजी आवाजें और बारगाह इलाही में फिलिस्तीनी आवाम की हिमायत में होने वाली दुआएं इंशाअल्लाह कभी भी रद्द नहीं होंगी। और आप अनकरीब देखेंगे कि जालिम फिलिस्तीन जालिम इसराइली हुकूमत का अनकरीब खात्मा होगा और फिलिस्तीनी आवाम अपनी सरजमीन अपने मुल्क में अमन चैन के साथ रह सकेंगे। दुनिया देख रही है एक सरजमीन है जो फिलिस्तीन के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है, वहाँ के रहने वाले लोगों की आज कोई हुकूमत नहीं है, वो अपनी ही सरजमीन पर आवारा वतन है। आज लाखों फिलिस्तीनी आवाम है जो दूसरे मुल्कों में रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो आवारा वतन है, जिलावतीने की जिंदगी गुजारते हुए उनकी नस्लें कई कई नस्लों में तब्दील हो चुकी है। आज तकरीबन 70 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया है कि जिन्हें आवारा वतन किया गया, जिनके घरों को छीना गया, जिनकी सरजमीनों को छीना गया, जिनके इलाकों को छीना गया, आज वो दूसरे ममालिक में कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कैंपों की भी ऐसी जिंदगी जिनकी नागुफ्ता बेहालत को बयान नहीं किया जा सकता। इंसानी हुकूक के ठेकेदार चुप है, दुनिया खामोश है, इसलिए कि इस मुद्दे सरतानी ने जिसे इमाम खुमैनी ने आज से बरस हाँ बरस पहले ये आलम इस्लाम को गैरत दिलाते हुए कहा था कि मुसलमानों अगर इस कैंसर के फोड़े को आलम इस्लाम के पैकर से काट कर नहीं फेंका गया तो करीब तुम देखोगे कि ये कैंसर का फोड़ा पूरे आलम इस्लाम को मफलूज कर देगा। मुसलमानों ने गफलत से काम लिया, उतनी मजबूती से न कदम उठाया न आवाज जितनी मजबूती से उन्हें उठाना चाहिए थी। लिहाजा इस 70 साल के अरसे में इस नाजायज हुकूमत ने आलम इस्लाम का जो हाल कर दिया है उसे हम देख रहे हैं। आज अगर बहरेन में बर्बादी है, अगर आज यमन में खून बह रहा है, अगर आज शाम में खून बह रहा है, अगर आज इराक लहू लुहान है, अगर आलम इस्लाम एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ है, अगर एक दूसरे की तकबीर की जा रही है, अगर नफरतों का बाजार गर्म है, अगर झूठे फतवे मशहूर किए जाते हैं, अगर आलम इस्लाम में इतनी नफरतों को उरूज दिया जाता है
कि जहां ये तक अफवाहें उड़ाई जाती है कि एक मुसलमान फिरका दूसरे मुसलमान के साथ खाने पीने तक को तैयार नहीं है, तो जान लीजिए इस सब के पीछे इसी नाजायज हुकूमत की हरकतें हैं, इसी शैतानी साजिशों का नतीजा है, इसी कैंसर के फोड़े का नतीजा है जिसने आलम इस्लाम को इतना मफलूज कर दिया है कि आज अपने सामने की बातें समझने के लायक नहीं रहे हैं। आलम इस्लाम में जितना खून बह रहा है, ताज्जुब की बात है, दहशतगर्दी का इल्जाम भी उन्हीं पर है जिनके बच्चे सुबह से शाम तक कत्ल किए जाते हैं, दहशतगर्द भी वही है जिनके गले काटे जाते हैं, दहशतगर्दी का इल्जाम भी उन्हीं पर है जिनके घरों को उजाड़ा जाता है, दहशतगर्दी का इल्जाम भी उन्हीं को है जिनकी गोद के बच्चों को ज़िबह किया जाता है, शाम से लेकर इराक तक और इराक से लेकर यमन तक और यमन से लेकर बहरान तक जितना खून बह रहा है, अगर कोई साहिब अक्ल इंसान है तो वो देख सकता है कि इन सारी साजिशों के पीछे इन्हीं जल्लादों का काम है जो आलम इस्लाम को आपस में उलझा कर अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हैं। मगर हमें यकीन है कि मुसलसल यौमे कुछ में आपकी हाजिरी आलम इस्लाम को इतना बेदार जरूर कर देगी कि जब उम्मत इस्लाम रहबरे कबीर इमाम खुमैनी के उस कौल पर अमल करते हुए जब उन्होंने कहा था कि आलम इस्लाम इतना बड़ा है और फिलिस्तीन इतना बेहकीकत है कि अगर आलम इस्लाम एक एक लोटा पानी भी इसराइल की तरफ बहा देगा तो इसराइल का वजूद उससे आए हुए सैलाब में बह जाएगा, हमें यकीन कामिल है कि अब वो वक्त दूर नहीं है, उम्मत इस्लाम बेदार है कि बहुत जल्द इसराइल का खात्मा होगा और सरजमीन फिलिस्तीन पर इंशाल्लाह फिलिस्तीनी आजादी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, साजिशें नाकाम हो जाएंगी, जुल्म का खात्मा हो जाएगा और एक आवारा वतन कौम अपने वतन को लौट सकेगी। आइए मैं इन्हीं के साथ आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आबिद अब्बास साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और इस सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। वो मेरी तशरीफ ला रहे हैं, चूप दर चूप आप सबका इस्तकबाल कीजिए, आने वालों को जगह देते जाइए और इंशाल्लाह अपने इस तवील व अरीज इज्तिमा के अंदर उन्हें जम करते